1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। वो ये जानना चाहते थे कि हमारी याददाश्त कितनी अच्छी है और अगर हम कुछ रैंडमली सीखने की कोशिश करते हैं तो कितने वक्त बाद हमें उसका कितना याद रहता है। एंड वॉट ही डिस्कवर्ड केम टू बी नोन एज द फॉरगेटिंग कर्व। एंड वो एसेंशियली ये बोलता है कि अगर हम कुछ भी मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही हम सिर्फ उसका 15% याद कर पाते हैं। It just goes away. And that's why to learn something new and fast is to revise.